3 अक्टूबर 2023 को मंगल तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं शाम को 5 बज के 28 मिनट के आसपास, और ये रहेंगे 16 नवंबर तक तुला राशि में। मंगल जब यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो अस्त के स्थिति में ही रहेंगे और काफी लंबे समय तक, ये 15-16 जनवरी 2024 तक ये अस्त ही रहने वाले हैं। तो कैसे प्रभाव देंगे तुला राशि में जब ये प्रवेश करेंगे, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी आप लोगों से। और मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी बड़े ग्रह हैं और जब किसी राशि में आते हैं तो अपने अच्छे से रिजल्ट देते हैं। दो राशियों के स्वामी होते हैं मेष और वृश्चिक के, तो जिन लोगों की महादशा अंत्यदशा प्रत्यंतरदशा में मंगल ग्रह होंगे उनके लिए तो बहुत गहरे प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और जब मंगल तुला में प्रवेश करेंगे तो 3 नक्षत्रों से इनका पूरा ट्रांजिट होगा, जिसमें से चित्रा रहेगा, स्वाति रहेगा और विशाखा। मंगल को यहाँ पर मंगल का ही नक्षत्र मिलेगा, उसके बाद राहु का मिलेगा, फिर गुरु का नक्षत्र मिलेगा। राशि स्वामी शुक्र के साथ में जो मंगल का संबंध है वो एक न तो मित्रता का है ना ही शत्रुता का है, एक तरीके से न्यूट्रल संबंध रहता है। हालांकि ये वायु तत्व राशि होती है तुला राशि, और मंगल का जो स्वभाव है वो अग्नि कारक ग्रह है, तो राशि के हिसाब से तो मंगल के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन नक्षत्र जब इनको अपने नक्षत्र चित्रा से जाएंगे और लास्ट में जब ये विशाखा गुरु के नक्षत्र से जाएंगे तो वहां पर इनको थोड़ा सा खुद का और गुरु का सहयोग मिलेगा। लेकिन जब ये राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो वो जो समय रहेगा वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप लोगों को इस राशि परिवर्तन को मैं विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सभी के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए करें। देखिए मंगल ग्रह जो है ये अग्नि कारक ग्रह होता है, बड़ा तेज ग्रह होता है, इसमें बड़ी ऊर्जा होती है और ये हर एक तरह के उत्साह को दिखाता है, जो काम करने की व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है। ब्लड जो होता है जमीन का कारक होता है, और जो शरीर के अंदर रेड रेड कॉर्पसेल्स होती है उनको भी मंगल ही दिखाता है। और ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट होता है, चाहे आर्मी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, या फिर जो भी अग्नि से जुड़े हुए कार्य होते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर जो होता है, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड होता है, सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड होता है, वो सब कुछ मंगल ग्रह के पास ही है। और तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं जो कि व्यापार की राशि होती है, और ये दूसरा काम त्रिकोण होता है। और मंगल को अगर आप कालपुरुष के हिसाब से देखते हैं तो ये पहली राशि मेष और आठवीं वृश्चिक दोनों की ही लॉर्डशिप लेकर के व्यापार के भाव में आ रहे हैं। तुला राशि जो कि संबंधों की राशि है, जहाँ से पार्टनरशिप देखा जाता है, मैरिज वाला साइड देखा जाता है, यात्राएं देखी जाती हैं, व्यक्ति का मान सम्मान, क्योंकि 10वें से 10वां स्थान होता है तुला राशि। तो यहाँ पर जब मंगल जैसा ग्रह आएगा तो ये कैसे अपने प्रभाव देगा, क्योंकि इनको केतु भी मिलेंगे 30 अक्टूबर तक यहाँ पर, और केतु भी मंगल की तरह ही रिजल्ट करते हैं। और ये जो स्थिति रहेगी मंगल की, कुछ चीजों के लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, जैसे यहाँ पर बैठ करके ये व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के ऊपर प्रभाव डालेंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे। और जो दूसरा भाव रहेगा वृषभ राशि, तो ये मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए मंगल की जो तुला में स्थिति रहेगी, ये तुला राशि आपके कुंडली में किसी भी भाव में पड़े, लेकिन इनका जो दृष्टि से संबंध बनेगा वो तुला से रहेगा, मकर से रहेगा, मेष से और वृषभ से। ये पूरा इसको एक्टिवेट करके रखेंगे जो काम त्रिकोण है नक्षत्रों के माध्यम से। तो जिन लोगों की मंगल की दशा चलेगी, राहु की दशा चलेगी अंतर प्रत्यंतर, या फिर गुरु के अंतर प्रत्यंतर, तो उस तरीके से रिजल्ट देते हुए निकलेंगे। और गुरु चूंकि अभी मेष में चल रहे हैं और ये रहेंगे लंबे समय तक, तो गुरु की दृष्टि में भी रहेंगे मंगल, जो कि बड़ी अच्छी बात होगी। तो इससे जो मंगल का एक बोधिपन होता है, या जो उनकी जरूरत से ज्यादा एनर्जी होती है,
सब चीजों को भी गुरु बहुत कुछ कंट्रोल करेंगे। और शनि की जो स्थिति है वो तो रहेंगे कुंभ राशि में ही, तो मंगल जो सीधे सीधे प्रभावित होंगे जिसके कंट्रोल में ये रहने वाले हैं, क्योंकि 1.5 महीने वो गुरु रह ही रहे, बाकी इनको अक्टूबर में 16-17 अक्टूबर के आसपास इनके पास में सूर्य भी आ जाएंगे, तो इन सबों का भी प्रभाव मंगल के ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं मेष वालों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। मंगल आप लोगों के सातवें भाव में आ रहे हैं, लग्न के मालिक होकर के और आठवें भाव के मालिक होकर के, तो यहाँ पर ये आपके व्यापार बिजनेस को बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप से आपको फायदा भी करवाएंगे, नौकरी व्यवसाय बिजनेस प्रमोशन इन सब क्षेत्रों में आपको ये लाभ भी करवा देंगे, प्रोफेशन को ये विस्तार देने में आपको बहुत मदद करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ये सब भी मंगल ला करके देंगे, लेकिन आपको दो तीन चीजों की सावधानी रखनी पड़ेगी। आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा, वहां पर एक प्रॉब्लम कर सकते हैं और पार्टनर की सेहत में किसी तरह की दिक्कत दे सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी भाषा शैली और वाणी का जरूर ध्यान रखना होगा, व्यापार बिजनेस आपका ये बढ़ा देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये रिलेशनशिप की दृष्टि से उतने अच्छी नहीं रहेंगे, क्योंकि शुक्र के घर में रहेंगे और तुला राशि जो होती है यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसमें भी थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा लस्टफुल बना देते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड है वो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में नहीं इन्वॉल्व हो, या ऐसे भी लोगों को इस बारे में सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ के लिए बात करते हैं तो मंगल आपके छठवें भाव में आ रहे हैं, छठवें भाव में मंगल आएंगे 12वें भाव के मालिक बनते हैं और आप लोगों के सप्तम भाव के मालिक होते हैं। छठवें से मंगल का जो गुजर होता है बड़ा अच्छा रहता है, तो ये आप लोगों को विदेशों से लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा, आपका जो व्यापार है बिजनेस है उसका ये कनेक्शन जोड़ देगा बाहर से, उस दृष्टि से अच्छा है। जो लोग एमएनसीज में या मल्टीनेशनल कंपनी या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, अगर आपका व्यापार बिजनेस इन क्षेत्रों से जुड़ करके है तो वहां पर फायदा करेगा। सेहत का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके अंदर थोड़ा गुस्सा ये दे सकता है, लेकिन ये स्टडीज वगैरह की को जरिया बना करके, जैसे पढ़ाई लिखाई है, हायर स्टडीज, इन सब चीजों को माध्यम बना करके भी आपको ये यात्राएं देने में सक्षम रहेगा। जितने भी विवाद वाली चीजें होती है, रोजन शब्दों, कोर्ट कचहरी, झगड़े, विवाद, लीगल जो केसेस वगैरह होते हैं वहां पर मंगल आपको अच्छे से सक्सेस दिलवा सकता है, तो अच्छा है। और हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको ये मंगल ठीक करेगा, लेकिन किसी से विवाद आप अपनी तरफ से भी मत बढ़ाइएगा, फादर की सेहत का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर तो बात करते हैं मिथुन वालों के लिए, आप लोगों के पंचम भाव में मंगल आ रहे हैं, 11वें के मालिक बनते हैं मंगल आप लोगों के और छठे भाव के मालिक होकर के, तो पंचम से जब ये गोचर में आएंगे तो 5वां भाव कोई बहुत अच्छा नहीं होता है मंगल के लिए, लेकिन यहाँ पर बैठ करके आपको आर्थिक फायदा करवा देंगे, कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन होगा, आपके रुपए अटके पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको अपने बच्चों के साथ में थोड़ा ध्यान रखना है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है वहां आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, कोई भी प्रेम संबंध है या कोई अफेयर है या किसी भी तरह के जो रिलेशन होते हैं उन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, वहां पर मंगल आपके डिस्प्यूट या विवाद करवा सकता है, क्योंकि तेज ग्रह है, बुद्धि में ये बहुत ज्यादा तेजीपन लाएगा, आक्रामकता लाएगा, तो आपका जो नेचर रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत तेज हो सकता है। और दूसरा, तुला की राशि है तो ये आपको तरह तरह के रिश्तों में भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकता है, तो थोड़ा सा अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा, अधिक जो रिलेशनशिप वगैरह की चीजें होती हैं उसका ध्यान रखना रहेगा, नहीं तो वहां पर आपके नए नए प्रेम संबंध पैदा होंगे, ये सब चीजें होंगी, तो चूंकि ये मंगल आपके आठवें भाव को भी देखेगा तो यहाँ पर इलीगल रिलेशन, गलत संबंध, इस तरह की संभावनाएं बनती है, लेकिन आपको सरकार से फायदा हो जाएगा। और जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं या जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा, वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकते हैं, आपके लिए औसत गोचरिया खुला जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट लोग जो है उनको थोड़ा सा अधिक फोकस बनाना चाहिए पढ़ने पे, मिथुन वाले लोग जो बच्चे हैं उनका पढ़ने लिखने से यहाँ पर थोड़ा सा मन हटेगा, ऐसी संभावनाएं बन सकते हैं। फिर कर्क वालों के लिए बात करते हैं, मंगल आपके बहुत योग कारक ग्रह होते हैं और चौथे भाव में आ रहे हैं, चौथे भाव से मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बैठ करके ये आपको नौकरी में फायदा करवा देंगे, नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, उन क्षेत्रों में आपको बहुत लाभ करवाएंगे, आपको ये पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ दे सकते हैं, नई जॉब लगना, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की, आर्मी की, या
फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए जो काम होते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, तो वहां पर मंगल आपको फायदा दे रहे हैं। लेकिन मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, और जी जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, यहाँ पर आपके रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड जिनका काम है, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मंगल ही फायदा कराएगा, नौकरी व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बहुत लाभ देगा। और ये आपके जॉब को या आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को माध्यम बना करके कुछ आपके फाइनेंशियल गेन भी करा देगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन आप लोगों को मंगल व्यापार बिजनेस में भी सपोर्ट करेगा, लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चौथी दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पे जहाँ पर मकर राशि पड़ती है, तो पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दे सकते हैं। बाकी ओवरऑल ठीक है। घरेलू पक्ष में जो सुख शांति होती है उसका ध्यान रखना रहेगा, मदर की सेहत का, मदर के साथ संबंधों का, प्रोफेशनल वाइज आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए, आपके भी योग कारक ग्रह होते हैं और तीसरे भाव में आ रहे हैं, चतुर्थ के मालिक होते हैं और भाग्य के मालिक होकर के ये तीसरे भाव में आएंगे, तो बड़ी अच्छी स्थिति है मंगल की। यहाँ पर ये आपकी मेहनत पर आसन को काफी बढ़ाएंगे और आपको बहुत फायदा भी करवाएंगे। यहाँ पर ये एजुकेशन को माध्यम बनाएंगे, हायर स्टडीज को, और आपको जर्नीज भी देंगे। यहाँ पर आप थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी कर सकते हैं, घर से दूर जाने के आपके अवसर उपलब्ध होंगे। कुछ लोग अपने पढ़ाई लिखाई की वजह से या नौकरी की वजह से यहाँ पर आपको दूर जाने के योग बनेंगे, और इसी के साथ साथ ये मंगल आपको कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव जितनी भी चीजें होती है उसमें ये सफल बनकर आएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, सिंह वाले बच्चे खूब मन लगा करके आप लोग पढ़िए, आपको कॉम्पिटिशन में सफल होने के काफी रास्ते ये बनाएगा। रोग शत्रु एनिमीज जितनी भी डिस्प्यूट वाली चीजें होती है उससे आप अच्छे से फाइट करके निकल जाएंगे। वहां पर आपको अच्छा है, मीडिया वगैरह के क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अगर आपका कुछ काम है, ऐसे सारे क्षेत्रों में मंगल आपको सपोर्ट करेगा, बहुत आपको बोल्ड बनाएगा। यहाँ पर आप बहुत इनिशिएटिव मोड में रहेंगे, और भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, और यात्राएं भी जो होंगी वो आपको बहुत फायदा कराएंगे। प्रोफेशन में भी आपको ये लाभ करवा सकता है, कुछ लोगों को यहाँ पर नई जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, आप हैं आपको यहाँ पर ये पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ करवा सकता है, और पॉलिटिक्स वगैरह में है वहां भी आपको फायदा दे सकता है। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि तीसरे भाव से मंगल रिजल्ट बहुत अच्छा करता है इस वजह से। फिर कन्या की बात करते हैं, आपके सेकेंड हाउस में मंगल आ रहे हैं, और देखिए मंगल आपके बहुत ही अकारक ग्रह होते हैं, तो इस वजह से एक तो आपके ये थर्ड हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं और अष्टम भाव के मालिक हो करके आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं, दूसरे भाव से मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता है। तो पहला काम तो आप ये करिएगा कि अपनी भाषा शैली का ध्यान रखिएगा, मतलब जो आप बोलते हैं बातचीत करते हैं उसमें खराबी नहीं आने पाए, नहीं तो आपका घरेलू पक्ष अशांत होगा, जहाँ पर जो आपका पारिवारिक लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे वाणी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर आपको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे अपने परिवार के ऊपर, या किसी भी तरह का थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एटमोसफेयर ये मंगल आपको देगा, लेकिन आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी से ये लाभ करवा देंगे, जो कि बड़ी अच्छी स्थिति है। और ये आपको यात्राएं भी करवाएंगे, जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर जर्नलिस्ट भी देखने को मिलेंगे। अचानक से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको अपना बहुत ज्यादा फोकस बना करके रखना चाहिए पढ़ने के ऊपर, यहाँ पर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके स्टडीज करते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या जो भी आईबी सेक्टर, जो कुछ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके लिए मंगल अच्छे रिजल्ट कर देगा, क्योंकि आठवें का मालिक सेकंड में बैठ करके आपके पंचम भाव को देखेगा। लेकिन जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, या जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, तो आपको उनका केयर करना चाहिए। और यहाँ पर रिलेशनशिप वगैरह का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अष्टम जो भाव होता है वो गुप्त संबंधों का भी भाव होता है, और उसकी लॉर्डशिप है इनके पास, द्वितीय में बैठ के पंचम से संबंध बनाएंगे, तो गलत तरीके के रिश्ते रिलेशन इन सब चीजों से बचाव करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के ऊपर अधिक मन लगाना चाहिए। कन्या के बाद फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए, आपके देखिए लग्न स्थान पे ही मंगल आ रहे हैं और आप लोगों के लिए मालिक बनते हैं धन भाव के, और बनते हैं ये आपके सप्तम भाव के, और लग्न भाव में आएंगे, तो देखिए लग्न से आएंगे तो आपके अंदर एनर्जी तो बहुत ज्यादा ये पैदा कर देंगे, मतलब कि बड़े आप बोल्ड हो जाएंगे, बड़ी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी, ये आपको धन का भी लाभ करवाएंगे जो कि बड़ी अच्छी चीज है, व्यापार बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, सटे आपको प्रॉपर्टी से लाभ करवा सकते हैं, इंश्योरेंस
सेक्टर से आपको फायदा करवा सकते हैं। जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, उन लोगों को बहुत फायदा कराएंगे। जो लोग भूमि वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं उनको भी मंगल यहाँ पर बहुत फायदा करेंगे। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें मंगल आपको फायदा करेगा, लेकिन घरेलू पक्ष अशांत कर सकता है। माँ की सेहत है या घर के ऊपर, घर का जो पूरा माहौल होता है वो किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो जाए तो यहाँ आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। जो आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर ये उतार चढ़ाव दे सकता है। आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा वहां भी ध्यान रखिएगा। कई बार मंगल जब उत्सव से संबंध बनाता है तो ये चोट चपेट भी दे देता है, तो जो लोग ड्राइव करते हैं केयरफुली करिएगा। और मंगल अस्त भी है तो जो पैसों का लेन देन है या व्यापार जो अपने बिजनेस डील आप लोगों के साथ में करते हैं उन सब चीजों को भी बहुत ही उधर बहुत ही सावधानी के साथ में रहिएगा। धन का मालिक है ना, लगन में बैठा है तो फाइनेंशियल गेन तो आपको लेकर के आएगा, लेकिन अस्त है तो थोड़ा सा कमी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी मिलती रहेगी आपको कुछ ना कुछ इनकम। और आपको अपने एग्रेशन पर बोल्डनेस का ध्यान रखना चाहिए। जब लग्न में मंगल आता है तो तरीके से आपके लिए मांगलिक योग बनाता है। तुला राशि है आपकी, तुला लगन है तो यहाँ पर आएगा, तो जो आपका स्वभाव है थोड़ा आप अपना इसका भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो मन होगा वो किसी तरह के रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट ये सब करवाएगा मंगल, क्योंकि तो तुला की राशि है तो ये व्यक्ति के अंदर तरीके का आकर्षण, तरीके का लस्ट, ये सब चीजें भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और गलत रिलेशन वगैरह में इन्वॉल्वमेंट मत बढ़ाइएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल आपको व्यापार बिजनेस से फायदा करा देगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए, आपके तो लग्न ऐसे ही होते हैं और छठे भाव के मालिक होते हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। देखिए 12वें भाव से मंगल को गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, ऊपर से तुला राशि में जा रहे हैं। पहला काम तो आप ये करिएगा कि यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में कोई भी दिक्कत होगी तो बिल्कुल तुरंत आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। किसी भी कारण से आपको दूर जाने के योग बनेंगे, यात्राएं आपको करने को मिल सकती है। यहाँ पर आप कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी कर सकते हैं। और जितने भी रोग, ऋण, शत्रु, एनिमीज, लोन वाली चीजें होती हैं उससे फाइट करने में मंगल ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, तो ये अच्छी चीज है। ये आपका व्यापार बिजनेस में भी मदद करेगा, कुछ खर्चे करवाएगा आपसे। हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को कर कुछ पैसों को खर्च करें या अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने को कर करें। ये भी हो सकता है कि जो लोग एमएससी में या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य हैं जिनका इस तरह का व्यापार बिजनेस है वहां से मंगल आपको संबंध बनाएगा और उसके ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं या आपको व्यापारिक गतिविधियों की वजह से कुछ यात्राएं करवा देंगे। इस तरह के कनेक्शन बनेंगे वृश्चिक वालों के लिए। लेकिन आपको अपने जो बातचीत करने का तरीका है, जो टोन है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं या करीबी लोग हैं, ऑनलाइन जो आपके फ्रेंड होते हैं उन लोगों के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ये थर्ड हाउस को क्रिएट करेगा तो आपको बहुत ज्यादा ये बहुत आपको बहुत एग्रेशन देगा, बहुत एनर्जी आपके अंदर ये पैदा करेगा। तो वो सब चीजें आप सही डायरेक्शन में यूज करिएगा, उसका कुछ गलत आपको रिजल्ट नहीं मिलने पाए ये आपको देखना रहेगा। और जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसकी सेहत का आपको संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए धनु वालों के लिए मंगल ग्रह आपके पंचमेश होते हैं, 12वें भाव के मालिक होते हैं, आपके एकादश भाव में आ रहे हैं, तो 11वें भाव से मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। तो पहला चीज तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल गेन मिल जाएंगे, पैसों की प्राप्तियां हो जाएंगी जो कि बड़ी अच्छी चीज है। आपके कुछ भी रुके अटके पैसे रहे होंगे पहले के, वो सब मंगल आपको दिलवा देगा, गवर्नमेंट से फायदा करवाएगा। यहाँ पर आपको नेम फेम प्रसिद्धि वगैरह भी दिलवा सकता है जो कि अच्छी चीज है। जो आपके जो लोग कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं, किसी तरह का आपको नया रिलेशनशिप दे दे। जो बच्चे वगैरह हैं उनसे आपको कुछ फायदा हो जाए, पढ़ाई लिखाई जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। पूरा मन लगा करके पढ़िए, आपको एजुकेशन में बहुत फायदा करवा सकता है ये मंगल। एजुकेशन से जुड़ करके आपको थोड़ी बहुत यात्राएं भी करवा सकता है, ये अच्छी चीज है। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको भी मंगल ये बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके पंचम का मालिक है वहां पर ये देख रहा है तो उसको फायदा करा देगा। जितने भी आपके रोग, ऋण, शत्रु, एनिमीज हैं उनको ये मंगल बहुत अच्छे से दूर कराएगा। लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं उसके लिए भी ये स्थिति आपको अनुकूलता, मतलब ये स्थितियां इस तरह की लेकर के आएगा कि आपको लोन वगैरह मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अपनी तरफ से किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कलह क्लेश मत करिएगा, अदरवाइज उसके ऊपर आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। और दूसरा, आपकी वाणी के ऊपर ये मंगल प्रभाव डालेगा, तो ये पैसे तो आपको दिलवा सकता है चाहे ट्रेडिंग के माध्यम से या कहीं फैमिली के जरिए से आपको कुछ पैसे मिल जाए। कुछ फाइनेंशियल गेन मंगल आपको अवश्य कराएगा, लेकिन अपनी भाषा शैली का, बोलचाल का और खान पान का भी ध्यान रखिएगा। कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा, क्योंकि मंगल आपके वाणी भाव को, खाने वाले भाव को देखेगा तो कई बार लोग
बहुत मिर्च मसाले वाले तली भुनी चीजें खर्च करते हैं, उसकी वजह से हेल्थ खराब हो जाए, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं, अच्छे उतार चढ़ाव मिल जाए। बाकी आपको मंगल यहाँ पर फाइनेंशियल गेन करा रहा है, कुछ पैसे खर्च होंगे जो कि आप अपने निवेश के ऊपर कर सकते हैं, या किसी तरह का जो आपका विवाद वगैरह होता है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद कोर्ट कचहरी केस जो मुकदमे वगैरह होते हैं, ऐसे चीजों के ऊपर भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, हेल्थ रिलेटेड चीजों के ऊपर ये मंगल पैसे भी खर्च करवा सकता है, क्योंकि आपके बारे में पक्का मालिक है और 11वें में बैठ के छठ पे भाव को भी देखेगा। तो डिस्प्यूट से अपने आप को बचाइएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी फाइनेंशियल गेन आपको मंगल कराएगा। फिर मकर की बात करते हैं, आप लोगों के 10वें भाव में मंगल आ रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति है, आपके 11वें के और चतुर्थ के मालिक होकर के आ रहे हैं, तो जब यहाँ पर मंगल आएगा तो आपको बहुत ज्यादा ये फायदा करेगा, नौकरी के क्षेत्र में व्यापार बिजनेस आपका बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ करवा सकता है, नई जॉब दिलवा सकता है। जो लोग पॉलिटिक्स में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, आर्मी में है, सेना में है, या फायर ब्रिगेड से जो करके काम करते हैं, या प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कुछ काम है, आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, आप कोई कॉलोनाइजर है, या जो रियल एस्टेट से जुड़ करके काम होते हैं, कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या जमीन के अंदर से जो जुड़े हुए काम होते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वहां पर मंगल आपको बहुत फायदा कर देगा। ये मंगल आपको कुछ फाइनेंशियल गेन भी कराएगा, आपके लिए कंस्ट्रक्शन निर्माण की स्थितियां भी निर्मित कराएगा। हो सकता है कि मंगल का ये गोचर अगर आपकी दशाएं वगैरह अच्छी हो मकर वालों को, तो ये आपको कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल ये सब दे सकता है। आपकी मदर के लिए भी मंगल बहुत सपोर्ट करेगा, उनकी हेल्थ में अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो उसको ये ठीक करने का काम करेगा। आपको ये मंगल घर के सुख भी देने का भी बहुत प्रयास करेगा, जो घर के सुख होते हैं, बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे कोई मकान बना लें, जमीन खरीद लें, फ्लैट ले लें, कोई गाड़ी ले लें, टू व्हीलर फोर व्हीलर, घर को रिनोवेट करा दें, ये सब चीजों को करवाने में मंगल आपकी बड़ी मदद करेगा। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मंगल आपके लग्न को देखेगा तो ये आपके अंदर बहुत जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि होती है, मकर उच्च की दृष्टि से देखेगा तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कलह क्लेश इस टाइप की चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा, क्योंकि वैसे भी शनि की लग्न होती है, आपकी शनि की राशि होती है, तो जब मंगल आपको देखेगा तो अनावश्यक क्रोध गुस्सा ये सब चीजें आ सकती हैं, इससे आपकी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने का इसका ध्यान रखिएगा। और तो जो भी आपके संतान शिक्षा बुद्धि प्रेम संबंध से जुड़ी हुई चीजें होती है, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है, वहां से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो लेडीज प्रेगनेंट है अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल यहाँ पर देगा। नौकरी के क्षेत्र में कुछ अच्छा आपके साथ में हो सकता है, हालांकि केतु है यहाँ पर और सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे अष्टमी शुरू होकर के 17-18 अक्टूबर के बाद, इसके बावजूद भी मंगल आपको यहाँ पर फायदा करवा रहा है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए, आपके नवम भाव में मंगल आ रहे हैं और मालिक बनते हैं आप लोगों के लिए तीसरे भाव के और 10वें भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। देखिए भाग्य भाव से जो मंगल का गोचर होता है कुल मिलाकर के ठीक होता है, लेकिन तुला की राशि है तो पहला काम तो ये करेगा, देखिए आपको नौकरी व्यापार बिजनेस इन सब चीजों में तो मंगल सपोर्ट करेगा, ये आपके लिए उन लोगों को बहुत फायदा कर देगा जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़ करके काम करते हैं, ऑनलाइन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, थर्ड हाउस रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, बोलने का काम है, या आप कोई भी पेपर से डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ करके काम कर रहे हैं, मीडिया के क्षेत्र में है आप, या कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका काम है, आप उन सब चीजों को जरिया बना के, प्रोफेशन को जरिया बना करके मंगल आपको यात्राएं भी करवाएंगे, विदेशों से आपके संपर्क स्थापित करवाएंगे, तो जितने भी कुंभ वाले लोग हैं उनको जर्नी मिलने जा रहे हैं, यात्राएं आपको यहाँ पर जरूर होंगी, तो उसका फायदा लीजिएगा। और ये मंगल आपके लिए जो आपके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल से संबंधित चीजें होती हैं उसका भी लाभ आपको ये करवा सकता है, क्योंकि आपके ये 10वें भाव का मालिक है, कारक होता है भूमि भवन का, तो ये आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल वगैरह का लाभ करवाएगा, जो कि अच्छी चीज है। और इसी के साथ साथ कुछ आपके खर्चे भी मंगल करवाने जा रहा है, जर्नीज आपकी होंगी फॉरेन में, तो आप यात्रा करने के लिए तैयार रहेगी, नौकरी व्यवसाय बिजनेस की वजह से या हायर स्टडीज की वजह से आपको कुछ जर्नीज यहाँ पर मिल सकती है। अपने फादर के सेहत का ध्यान रखिएगा, या उनके साथ संबंधियों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि तेज ग्रह होता है, 9th में आएगा, तो ये आपको धार्मिक यात्राएं भी करवा सकता है, ये अच्छी चीज है, ओवरऑल आपके लिए ठीक कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मेन वालों के लिए, आपके अष्टम भाव में मंगल आ रहे हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, आपके भाग्य के मालिक होते हैं और आप लोगों के सेकेंड हाउस के मालिक होते हैं। जब ये 8वें भाव में आएंगे मंगल, तो देखिए यहाँ बैठ करके ये आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी से सडन फाइनेंशियल गेन ये सब चीजें देंगे, क्योंकि आपके 11वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो पैसे तो आपको मिलने जा रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस से मिले, पैतृक संपत्ति से मिले,
कोई भी माध्यम बनेगा तैसे आपको मंगल दिलवा देगा। और ये समय रहेगा जो लोग है, जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, अकल्ट है, रिसर्च है, साइंटिस्ट है, या कोई भी ऐसे काम जो जमीन के अंदर के होते हैं, पेट्रोकेमिकल या कोई अकल्ट वाला काम है, वहां पर मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अपने फादर की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, या उनके साथ आपका कोई विवाद हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए, ऐसी स्थितियां भी मंगल आपके लिए निर्मित करवाएगा। यहाँ पर मंगल आप लोगों के लिए कुछ यात्राएं भी देगा, आपके थर्ड हाउस के ऊपर इसकी दृष्टि जाएगी, तो कुछ आपको जर्नीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि अच्छी चीज है, उसका फायदा लीजिए, उससे आपको फायदा भी होगा। एजुकेशनल ट्रेड, आईटी सेक्टर, टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो उसमें मंगल आपको फायदा कर देगा। लेकिन ये अष्टम भाव है, तुला राशि में मंगल आ रहा है। तुला राशि में जब मंगल आठवें भाव में आता है, मंगल चूंकि लष्ट को ही दिखाता है, ब्लड का कारक होता है ना, तो तुला राशि संबंधों की राशि होती है, तो यहाँ पर किसी तरह के जो इलीगल रिलेशन होते हैं, अनैतिक संबंध है, प्रेम संबंध है, ये सब जो रिश्ते वाली चीजें होती है, उन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होने पाए, गलत संबंधों में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो कुछ गलत गतिविधियों में मत लिप्त होइए, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी जमीन से आपको फायदा हो सकता है, पैसों का लाभ हो सकता है, सरकार से आपको ये मंगल फायदा करवा सकता है, ये अच्छी चीज है, गवर्नमेंट से आपको फायदा करवा सकता है, क्योंकि आपके गैदर भाव को देखेगा, और आपका अच्छा ग्रह होता है, योग कारक ग्रह होता है, भाग्यश्वर होता है, तो भाग्य में ये बहुत ज्यादा आपको अवरोध नहीं पैदा करेगा, भाग्यवश ये आपको फाइनेंशियल गेन जरूर कराएगा। अपनी भाषा शैली का ध्यान रखिएगा, वाणी का, खान पान का, उसकी वजह से या तो आपको स्वास्थ्य छिटपुट दिक्कत देखने को मिल सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपके जो घर के अंदर के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे मतभेद, मनमुटाव ये सब हो जाए, जब आप खराब बोलेंगे तो परिवार के लोग आपसे नाराज होंगे, ऐसे समझिए। तो ये जो मंगल का ट्रांजिट है 1.5 महीने का, सभी के लिए ठीक ठीक रिजल्ट देगा, कुछ सावधानियां भी रखनी रहेंगी, तो जिनके लिए मंगल योग कारक ग्रह है, तो वो लोग को मंगल को स्ट्रेंथ दे दीजिएगा, मंगल के मंत्रों का जप करिएगा, ओम मंगलाय नमः सिर पर जो मंत्र होता है, या मंगल की जो कलर होती है, रेड कलर होता है मंगल को, उसको अपने जीवन में आप धारण कर सकते हैं, रेड कलर की हैंकी रख सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड और जो भी हनुमान चालीसा है, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, मंगलवार को मंदिर जा सकते हैं, ये सब चीजें उपाय करके छोटे छोटे आप मंगल के को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिनके मंगल योग कारक है, जैसे कि कर्क वालों के, सिंह वालों के लिए, या जिनके लिए केंद्र त्रिकोण में अच्छे भाव में मंगल बैठे हैं, या आपके निचले चार्ट में मंगल अच्छे से बैठे हैं, अच्छे भाव से लॉर्ड शिव के, वो लोग तो मंगल को मजबूत कर लीजिएगा। बाकी जिनके लिए मंगल अकारक है, उनको मंगल को स्ट्रॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग बिल्कुल नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि आपके लिए मंगल जब अकारक है तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे नहीं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंत्र जाप आप चाहे तो कर सकते हैं, मंत्र जाप से पहले कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देता है, अच्छा होगा तो और अच्छा हो जाएगा, खराब रहेगा तो शांत हो जाएगा। तो ये जो गोचर है मंगल का 1.5 महीने का, ठीक ठाक रिजल्ट देगा सबको, क्योंकि इसको मंगल को अपने खुद के चित्रा के सपोर्ट मिल जाएगा नक्षत्र का, और जब गुरु का मिल जाएगा तो वहां से इसको फायदा हो जाएगा, और पूरे टाइम पीरियड में जो कि मंगल अस्त रहेंगे और इनके ऊपर सीधी गुरु की दृष्टि भी रहेगी साथ में, तो मंगल बहुत ज्यादा उत्पात नहीं मचा पाएंगे, ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि मंगल जो है वो तेज ग्रह होता है, तो जब ये आता है किसी भी भाव में, तो उस भाव से संबंधित चीजों में ये हलचल मचाने का काम जरूर करता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत एनर्जेटिक है, तो वो आते से ही बहुत जोर जोर से बोलना शुरू करेगा, मतलब सबको लगने लगेगा कि घर में कोई व्यक्ति आ गया है, तो इसी तरीके से मंगल ग्रह होते हैं, इनके अंदर बड़ी ऊर्जा होती है, जिस भाव में जाते हैं तो वहां पर ये एनर्जी भर देते हैं, लेकिन इस बार मंगल चूंकि अस्त है तो ठीक ठीक रहेंगे, और चूंकि गुरु भी इनको देख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मतलब तांडव नहीं मचाने पाएंगे, लेकिन फिर भी मंगल अग्नि वाला ग्रह है और वायु तत्व तो राशि में आ रहा है, तो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी जो रहेगी वो आपके जिस भाव में मंगल आ रहा है वहां से जो रिश्तों का विचार किया जाता है, उन रिश्तों के साथ सामंजस्य बिठा लीजिएगा, बाकी जितनी चीजें हैं उससे मंगल उतनी दिक्कत नहीं पैदा करेगा। आशा कर रही हूँ कि मंगल के इस ट्रांजिट को आप लोग समझ पा रहे होंगे, और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वीडियोस को देखते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।